बोलिए भारत माता की। नमो 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 माता की। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय भारत माता की। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गालव ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर में मैं आपका मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे भी अपील करता हूं, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का। आपका इस पवित्र धरती पर हृदय से स्वागत। ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं इस अवसर पर हमारे बीच विराजे हुए मध्य प्रदेश कृषि और किसान कल्याण मंत्री चल चुका है आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, अतिथिगणों का स्वागत करें, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे लोकप्रिय नेता, आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, भाई गोपाल भार्गव जी, नरोत्तम मिश्रा जी, मेरे मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथी सहयोगी मंत्रीगण और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आज प्रधानमंत्री जी आए, माननीय श्री अरविंद 19,000 करोड़ की सौगात लेकर, राजवर्धन सिंह दतिगांव जी, माननीय आज 2 अक्टूबर सिंह कुशवाहा जी, महात्मा गांधी जी की भी जयंती है, विवेक नारायण शेजवलकर जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, एवं श्री केपी सिंह जी, दोनों को हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन है। गांधी जी कहते थे स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करते हैं और गांधी जी के सपनों को साकार किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्हें स्वच्छता के लिए हाथ में झाड़ू उठाई तो पूरा देश स्वच्छता अभियान में जुट गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के मंत्र को मध्य प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया और स्वच्छता में आज मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 के स्थान पर है। शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान, अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित है, किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि भारत माता की तरफ आंख उठा के देख ले। लेकिन उस समय शास्त्री जी को ये कहना पड़ा था अन्य के संकट के कारण सप्ताह में एक दिन व्रत रखो, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अन्न के भंडार भरे और मध्य प्रदेश के किसानों ने तो ऐसा चमत्कार किया है कि 2003-04 तक 159 लाख मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन था, आज अन्न का उत्पादन हो गया है 619 लाख मीट्रिक टन। और मुझे कहते हुए गर्व है किसान भाइयों, गेहूं निर्यात करने में भी मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया है, 22 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं का निर्यात किया है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। अकेले ग्वालियर में देख लो, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 1000 बिस्तर का अस्पताल, चंबल पीने का पानी चंबल से, और केवल इतना ही नहीं, एलिवेटेड रोड, शानदार एयरपोर्ट, शानदार रेलवे स्टेशन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं ग्वालियर वालों, जरा दिल से और ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, अगर सुनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। पूरा मध्य प्रदेश में कहते हुए गर्व है, कांग्रेस जब थी टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनाई। बिजली का उत्पादन होता था केवल 2900 मेगावाट,
आज गर्व है मुझे कहते हुए 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन है जिसको 38,000 मेगावाट तक हम ले जा रहे हैं। और मेरे किसान भाइयों, सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टर में, आज मुझे बताते हुए खुशी है 47 लाख हेक्टर में सिंचाई की व्यवस्था आज आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, और 65 लाख हेक्टर तक ले जाएंगे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि बुंदेलखंड को पानी देने के लिए कैन और बेतवा परियोजना मंजूर हो गई है 44,000 करोड़ रुपए की। एक बार तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। एक तरफ विकास के सारे काम और दूसरी तरफ गरीब कल्याण। मेरे गरीब बहन और भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निशुल्क राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गरीबों को देने का काम करते हैं। आज 2 लाख से ज्यादा मेरे गरीब भाई और बहन गृह प्रवेश करेंगे, अपने घर में जाएंगे। मेरे बहन और भाइयों, 38 लाख मकान दिए ग्रामीण क्षेत्र में हमको, उनमें से 35,34,000 हमने बना दिए, गृह प्रवेश करा दिया। बोलो, इतने मकान कभी कांग्रेस के राज में बनते थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, बनते थे क्या? गांव में भी मकान, शहर में भी मकान, और जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं था, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया पट्टा देके उनको जमीन का मालिक बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब होगा। और आज जो हम यहां बैठे हैं जिंदा, ये प्रधानमंत्री थे। कोविड के समय जब सारा संसार संकट में था, भारत ने चमत्कार किया वैक्सीन बनाने का, और आपको पता है 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगा भी दिए। आज अगर हम जिंदा और स्वस्थ हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण हम जिंदा है। मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, मुझे कहते हो खुशी और गर्व है 3,70,00,000 आयुष्मान कार्ड हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर बनाए तो मध्य प्रदेश से बनाए, और 32 लाख गरीबों को इलाज करवा के दे दिया। गरीबों की जान बची, बच्चों की पढ़ाई हो लिखाई हो। मैं कहना चाहता हूं केवल 2 मिनट में, ये कांग्रेस जब थी, मित्रों आपको पता है प्रधानमंत्री आवास के मकान भेजे थे नरेंद्र मोदी जी ने, कमलनाथ ने वापस कर दिए, स्टेट का शेयर ना देना पड़े और गरीबों को मकान से वंचित करने का पाप किया। आज जल जीवन मिशन की कई योजनाओं का प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं, मुझे खुशी है कहते हुए। मेरी लाडली बहनों, हैंडपंप से पानी भरना बंद होगा, जल जीवन मिशन बनाया भारत सरकार ने, कमलनाथ ने शुरू ही नहीं किया जब उनकी सरकार थी। हमने 65 लाख घरों में नलों से पीने का पानी पहुंचा दिया, और आने वाले 1.5 साल में कोई घर टोटी वाले नल के बिना नहीं रहेगा, हर घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएंगे। ताली जरा जोर से हो जाए। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, कमलनाथ ने नाम ही नहीं भेजे। तुम्हारा क्या बिगड़ता था कमलनाथ, अगर 6,000 रुपए गरीब किसानों को मिल जाते तो। मुझे कहते हो गर्व है कि बाद में हमने सूची भेजी और सबको लाभ मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, और विकास की जो सौगातें प्रधानमंत्री जी ने दी, भारत सरकार ने दी, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, आज दिल से और जोर से बताना, मध्य प्रदेश में काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और जोर से, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? विकास की दौड़ में हम काफी आगे आए हैं, अब पिछड़े नहीं है, बीमारू नहीं है, विकसित राज्य है। और भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश ऐसे ही बढ़ता रहे, इसके लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए।
बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के, विकास और जनकल्याण के कामों को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देने का संकल्प ले। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सभी बहनों भाइयों की, लाडली बहनों की और भांजे और भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद।